हेलो गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो यानी कि आप पबजी गेम खेलते हो और पबजी गेम खेलते हो यानी कि आपको चिकन डिनर के बारे में पता भी होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चिकन आता कहाँ से? तो आज मैं आपको उस चिकन की सीक्रेट लोकेशन के बारे में बताऊंगा कि वो चिकन मिलेगी कहाँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मैं ऐसी वीडियो लगातार आपके लिए लाता रहूँ। और कल भी मैं एक ग्लिच लेके आऊँगा, उसकी वीडियो देख लेना। और वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करना ताकि आप इसे क्या होगा, मैं वो मोटिवेट होऊंगा और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूंगा आपके लिए। तो चलते हैं उस चिकन के लोकेशन के लिए। सबसे पहले आपको जाना है मैप के अंदर। मैप के अंदर जाने के बाद यहाँ पर साइड में आपको मिल जाता है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग पे आपको करना है क्लिक, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन आ रहा है, TPP और FPP। तो आपको TPP सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारी जो गेम है वो हो चुकी है स्टार्ट। हम जा रहे हैं ट्रेनिंग मोड में। और गाइस, मैं कहना चाहूँगा जो पहली बार आए हो गाइस, मैं फिर से कहना चाहूँगा हमें थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि चिकन आता कहाँ से है। तो हम ट्रेनिंग मोड में आ चुके हैं, उसके चलते हम अपनी एक स्नैपिंग उठा लेते हैं। स्नैपर आप भी उठा ले जब आप इसको देख रहे हो, तो स्नैपर जरूर उठाना। स्नैपर उठाने के बाद आपको अटैक जरूर उठा लेना है। यहाँ पर हम अटैक उठा लेते और आपको जाना है उस कंटेनर के पास, ठीक। तो हम भागते हुए चलते देखते, ये ड्रेस जो है वो कम लोगों को मिली है। इसका ग्लिच था गाइस, मैं आपको बता नहीं पाया इसका ग्लिच था। हर डाई में 6 पॉइंट ही खुलते थे और मैंने फटाफट से खोल लिया इसको, लेकिन इसकी वीडियो नहीं बना पाया गाइस, इसके लिए सॉरी गाइस। तो लगभग हम आ चुके हैं कंटेनर के पास। कहने को तो मेरे पास बहुत सारे क्लिच है गाइस, लेकिन वही है थोड़ा टाइम की कमी की वजह से वीडियो नहीं बना पाता। तो आपको कंटेनर के इस साइड पे मिल जाते कुछ बॉक्स रखे हुए, तो आपको यहाँ पर चढ़ना है, ठीक। स्लिप हो गया, ठीक, कोई नहीं, वन मोर। आपको संभल के करना है, मतलब चढ़ना है। यहाँ से क्या होता है कि स्लिप हो जाता बंदा, थोड़ा संभल संभल के। तो ऐसे चढ़ना है आपको संभल संभल कर, एक एक स्टेप जो है फुक फुक के। तो मैं इस तरह से चढ़ा, आपको भी इसी तरह से चढ़ना है ऊपर। दूसरा रास्ता क्या है कि ग्रेनेड से चढ़ सकते हो, अगर आपको ग्रेनेड से चढ़ना आता है तो चढ़ सकते हो। तो यहाँ बस अबे 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 नहीं 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 बस 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 अभी गिर जाता मैं नीचे गाइस, थोड़ा यहाँ पर संभल के। ये हम चढ़ गए यहाँ पर, फिर से फिर हाथ में अटैक वाला स्नाइपर और ऊपर चलते। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मुर्गी है और यही चिकन डिनर हमको लास्ट में मिलता है, देख सकते हो गाइस, यही मुर्गी हमें लास्ट में मिलती है। और आपको बता दो, इसको गोली जो डैमेज इफेक्ट तो दिखता है लेकिन इसको गोली नहीं लगती। देखो इसको गोली मारो, गोली लगेगी लेकिन इसको डैमेज इफेक्ट दिखता है लेकिन इसको कुछ नहीं होता। देखिए क्या मुर्गी, इसी को हम खाते चिकन विनर विनर चिकन डिनर। अगर आप आपने नहीं देखा तो जाओ फटाफट से ट्रेनिंग मोड पे जाओ और देखो ये मुर्गी कैसी दिखती है और वाकई यहाँ पर मिलती है। ये कोई फेक वीडियो नहीं है, आप कहीं आप सोचो कि एडिटिंग की हुई है मैंने, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये रियल वीडियो है, मैं फेक वीडियो बिल्कुल नहीं है। और गाइस, आपने अगर पबजी घोस्टारी वाली नहीं देखी वीडियो, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लोगों को नहीं पता ऐसी भी कोई आइडिया होती है पबजी में। क्या होगा उससे आपकी जो स्किन है वो फ्रीज हो जाती है कुछ मिनट के लिए। तो उस वीडियो को लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको स्किन के पे भी मिल जाएगा लास्ट में। तो अब तब तक के लिए मैं बाय बाय, कल मिलूंगा फिर से नई वीडियो के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।